हेलो हाय, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम है लव शर्मा, मेरे साथ है अर्पित। और आज इंडिया ने, मतलब कह सकते हैं न्यूजीलैंड के बाद, आज वापस ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते हुए फिर से डिसअपॉइंट कर दिया है। T20 वर्ल्ड कप कुछ इसी तरीके से रहा है कि इंडियन वुमेन टीम जो है वो डिसअपॉइंट करती हुई आई है हमको। मतलब बीच में एक आध मैच जीती हुई जीती, वरना जो दो मेजर टीम्स थी उनके अगेंस्ट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गई। और आज तो मैं कहूंगा अर्पित जीता हुआ मैच हार गई। कहाँ, मतलब आप एक टाइम पे 18 बॉल में आपको 40 रन चाहिए थे, आखिरी ओवर में आपको 14 रन चाहिए थे, वो नहीं बना पाए। एशिया की रानी है लव, मैं ये कहना चाहूंगा एशिया की रानी है। इंडियन टीम का मतलब है एशिया की रानी, उसके बाद आप नहीं, कुछ मत इस बोलिए। बार तो एशिया कप में भी हार गए थे अर्पित। वही मैं कह रहा हूँ, वहां पर भी आप इस बार हार गए मतलब, लेकिन आप ओवरऑल डोमिनेंस देखेंगे तो इंडिया का एशिया में जरूर हमें देखने को मिलता है। कि यहाँ पर भी आप देखें तो श्रीलंका को भी आराम से हराया था, पाकिस्तान को भी आराम से हराया था, लेकिन उसके बाहर बात मत करिए। आप एशिया में हमें खिलाइए, उसके बाद आप वर्ल्ड लीग में बात मत करिए, क्योंकि आपको पता है इंडिया का रिकॉर्ड इतना ज्यादा खराब है कि आप एक भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। सेमीफाइनल आप गिर पड़ के पहुंचते हैं, और इस बार तो आप वो भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत ही मुश्किल चांस है न्यूजीलैंड पाकिस्तान से आ रहे, एक ही सिनेरियो बच रहा है। और इस गेम में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज थी, तब भी आप 9 रन से आ रहे, गेम क्लोज था, 6 बॉल में 14 रन चाहिए थे और आपने वो अपॉर्चुनिटी गंवाई। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हमेशा हरमनप्रीत होती है और वो चोक करने में माहिर है। हाँ, हरमनप्रीत कौर ने आज काफी डिसअपॉइंटिंग पारी खेली, और मैं सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस पूरे, अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो स्मृति मंदना से, शिवाली वर्मा से, ये दोनों से सबसे बड़ी उम्मीदें थी, सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, बड़े प्लेयर्स हैं। हरमनप्रीत का मैं फिर भी कहूंगा कि चलो एटलीस्ट कुछ रन बनाए, मतलब प्रेशर सिचुएशन में एटलीस्ट 54 रन बनाए, 50 तो मारा कम से कम। और आज जो रिस्पेक्टेबल टोटल तक हम पहुंच पाए वो वहीं पहुंचे। अगर हरमनप्रीत की आज पारी नहीं होती तो इतना भी ना पहुंच पाते हम। स्मृति लेकिन आपको मंदना जिस तरीके से आज आउट हुई है टोटल अर्पित, जी, लेकिन स्मृति मंदना टोटल जिस तरीके से आउट हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? जी वो देखिए, उनका हमेशा का फिक्स हो चुका है कि स्पिनर आएगा और मैं अपने विकेट देके जाऊंगी, चाहे ऑफ स्पिनर हो चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर हो। आज लेफ्ट आर्म स्पिनर पे आउट हुई है, वरना मोस्टली ऑफ स्पिनर पे भी आउट होती है। स्पिनर के सामने सबको पता है कि वो नहीं चलती है, शुरुआत से हर कोई अब उनको स्टडी कर चुका है और वो अपनी गलतियां सुधार ही नहीं पा रही है। उनके पास पता नहीं क्या गेम खत्म हो चुका है, या फिर हम कहते हैं ना कि उनको बहुत ज्यादा हमने स्टारडम और इतना ज्यादा उनका नाम बना दिया है कि हमें बस वो स्टारडम दिख रहा है, उसके पीछे जो परफॉर्मेंस है वो कोई नहीं देख पा रहा है, और सबको अब सिर्फ स्टारडम ही देखने को मिल रहा है। स्मृति मंदाना भी वही अब लीग की प्लेयर्स बन चुके हैं, आपने देखा होगा WPL में यही प्लेयर्स जमीमा हरमनप्रीत आपको 200-200 स्कोर में पहुंचाने में मेजर कंट्रीब्यूशन देती हुई दिखती थी, कि कोई 80 रन बना रहा है, शेफाली को कभी सौ बिल्कुल मार दे दिए हैं मैगलेनिंग के साथ। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल गेम आता है वहां पर आप देख लीजिए, बहुत इंडिया का जो आप परफॉर्मेंस देखिए वो हमेशा कम ही रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आपके पास कैलकुलेशन नहीं होती पूरा गेम किस तरीके से खत्म करना है, और ना ही आपके पास पावर हिटिंग कैपेबिलिटीज है, और जिनके पास है उनको आप अपॉर्चुनिटी नहीं देते। जैसे आज आप देखे दीप्ति शर्मा को आज 5वें नंबर पर भेजा गया, जबकि आपके पास ऋचा घोष बैठी थी, और ऋचा घोष जब आई, जब उनके पास मौका ही नहीं था ज्यादा बॉल्स वो कंज्यूम कर सकती थी, अगर बिल्कुल दीप्ति शर्मा की जगह ऋचा घोष को भेजते और वो कम स्ट्राइक रेट से भी खेलती तो उनके पास एक गेम था कि वो कभी भी गियर चेंज कर सकती है। लेकिन दीप्ति शर्मा के पास कोई गियर नहीं है कि वो आपको 2 छक्के या 3 छक्के लगाते हुए दिख सके। शिफाली वर्मा और ऋचा घोष दो ही ऐसी बैट्समैन है इंडियन टीम में जो छक्के मार सकती है, बिल्कुल लेकिन उनका दोनों का यूज नहीं हो पाता। शिफाली शुरुआत में जरूर मार रही थी, लेकिन उसके बाद उनके पास भी ज्यादा देर के लिए गेम नहीं होता, और वैसे ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। अब ऋचा घोष को आज तो समझ ही नहीं आता कि कब किसको कब उतारना है, कभी हरमनप्रीत नंबर 3 खेलती है, कभी जवाइमा नंबर 3 खेलती है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जो अभी अगर हम कोच की बात करें, मजुमदार आए, काफी एक्सपीरियंस क्रिकेटर रह चुके हैं, फिर उसके बाद कमेंटेटर बने, फिर अब कोच बने, लेकिन उनके आने के बाद उनसे पहले भी जितने कोच रहे इंडिया चोक करना कभी नहीं भूली है। मतलब यहाँ पे भी गौतम गंभीर की सख्त जरूरत है। इंडिया वुमेन टीम को भी सख्त जरूरत है उनको। गंभीर भी आ जाएंगे तो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि खेलना गौतम गंभीर को नहीं है, और टीम का जो माइंडसेट है वो चेंज कोई नहीं नहीं कर देखिए, पाएगा। माइंडसेट माइंडसेट जो है टीम का, वो मेंटोर कोच होते हैं, वो चेंज करते हैं। मुझे लग रहा है माइंडसेट की कमी है, और एक एक फॉर्मेशन की कमी है, फॉर्मेशन में लैग कर रही है। टीम में कैलिबर बहुत है, बट एक फिक्स फॉर्मेशन नहीं है कि कौन किस पोजीशन पर जाके खेलेगा, और सबको अपने रोल्स नहीं पता है। कभी भी पूजा वस्त्रकर को आप ऊपर भेज देते हैं, कभी पूजा वस्त्रकर सिर्फ बॉलिंग करा लेते हैं, बैटिंग का उनको चांस ही नहीं देते हैं, कभी बॉलिंग ही नहीं देते हैं। तो एक पूजा वस्त्रकर आपके पास एक अच्छे ऑलराउंडर है जो हिटिंग करना भी जानते हैं प्रॉपरली, उनको वैसे विमेन टीम में अगर देखा तो आज उनकी पोजीशन मतलब अगर आप पूरा बैटिंग ऑर्डर में देखेंगे तो इससे ऊपर वो नहीं जा सकती थी, किसकी जगह आती ये सवाल रहता।
लेकिन बात ये थी कि आपके पास कैलकुलेशन नहीं थी। आप ये देखिए कि 5 ओवर में आप 40 रन बना चुके थे, आपको पता है कि 8.5 का आपको रिक्वायर्ड रन रेट लेके चलना है, तो फिर उसको आप लास्ट में 10 से 12 ले जाते हैं, और फिर लास्ट के 2 ओवर में तो आप देखिए 2 ओवर में 28-30 रन चाहिए थे, फिर लास्ट ओवर में 14 रन चाहिए थे, तो आपने वो कैलकुलेशन लेके चले ही नहीं, आप बस मैच को डीप लेते जाते कि हरमनप्रीत को लगा कि उनके पास एकदम से शक्तियां आ जाएंगी कि वो मैच डीप जाने का फायदा था कि आपको आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, अगर आप 14 रन भी नहीं बना पा रहे हैं तो मैच डीप जाने का फायदा ही नहीं है, फिर आप फिर यही सोचिए कि आपको एक दो ओवर पहले खत्म करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता अगर ऐसा, अगर आपको एकदम से इतना गंदा एकदम से विकेट गिरते चले जाते रेगुलर इंटरवल्स पे, तो ये तो मुझे नहीं लगता इतना गंदा स्ट्रोक करने के बाद कोई मतलब एक दो ओवर पहले जीतने के बारे में सोच सकता है। और वो अपने ऊपर देखिए जो कप्तान होता है उसको लास्ट ओवर में आपने एमएस धोनी को भी देखा होगा कि वो फिर अपने ऊपर भार लेके चलते हैं, वो हरमनप्रीत ने नहीं लिया, फिर वो सिंगल पे रिलाई करने लगी, उनको सिंगल नहीं लेना चाहिए था, अगर उनको डीप ले जाके खुद ही हिटिंग करनी थी तो फिर वो सिंगल नहीं लेती, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखिए मात्र 110 का स्ट्राइक रेट है, इस स्ट्राइक रेट से कभी भी आप 150 चेज नहीं कर सकते, अगर 120 चेज करना होता तो समझ आता, लेकिन आपको जब 150 चेज करना है तो फिर आपको स्ट्राइक रेट वो 140-150 लेके चलना होता है। जी एक बार स्कोर कार्ड की तरफ चलते हैं अर्पित, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की शुरुआत करी, ग्रेस हैरिस जो है उनका भी रन ऑफ बॉल इनिंग रही आज, 40 रन 41 बॉलों में 5 चौके उन्होंने लगाए, बैट्स मुरी कुछ खास नहीं कर पाए 2 रन पे, जॉर्जिया वैरम की बात करें आज 0 पर आउट, तालिया मैगराथ की बात करें उन्होंने आज फिर भी 26 बॉलों में 32 रन बनाए 123 के स्ट्राइक रेट से, एलिस पेरी की बात करें सबसे अच्छी प्लेयर आप WPL में देखिए वो कंसिस्टेंटली अच्छा करती हुई आती है, और मतलब मुझे तो सबसे कंप्लीट प्लेयर लगती है आप वुमेन क्रिकेट की बात करें तो, जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं उनके पास, आप ऑप्शन देखिए कि उनके पास कितने सारे ऑलराउंडर्स हैं, फिर मैगराथ वो भी एक अच्छी पावर हिटर ऑलराउंडर है और कोई भी छक्के लगा सकता है, एलिस पेरी आपने बताया ही कंप्लीट प्लेयर है, गार्डनर शुरुआत में ओवर भी करती हुई दिखती है, डेथ ओवर्स भी कर रही थी आज, तो आप ये देख लीजिए 4 से 5 ग्रेस हैरिस खुद भी बॉलिंग करती है, तो 4 से 5 आज ये देखिए एलिस हेली प्लेयर नहीं थी, उसके बाद भी आपके पास इतने सारे बैट्समैन थे जो पावर हिटर्स थे, वही टीम इंडिया के पास 2 ही बैट्समैन है जो 3 कह लीजिए, हरमनप्रीत आज नहीं लगाए लेकिन हमने देखा उनको छक्के लगाते, तो हरमनप्रीत और शिफाली और ऋचा घोष 3 ही ऐसे बैट्समैन है जो आपको छक्के मार सकते हैं, और जब आपको 150-160 चेज करना होता है तो 1-2 प्लेयर्स को पावर हिटिंग करनी पड़ती है, वो आज हमें मिसिंग दिखी, दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत की जो एक बड़ी पार्टनरशिप हुई, मुझे लगता है वहां मैच इंडिया वहीं पर हारी। जी उसके अलावा मुझे लगता है स्कोर कार्ड में अर्पित कोई बात करने लायक है नहीं ऑस्ट्रेलिया में, बाकी 15 रन 10 रन ऐसे ही स्कोर आए थे। बॉलिंग की बात करें इंडिया की तो रेणुका सिंह ने आज लगातार जैसा हमेशा अच्छा करती है, कंसिस्टेंट बॉलर, मेरे ख्याल से इंडिया के करंटली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, अच्छा कर उन्होंने आज भी 4 ओवर में 24 रन दिए, 2 विकेट लिए, 6 की इकोनॉमी, 3 वाइड जरूर उन्होंने डाली बट मतलब इकोनॉमी काफी अच्छी है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रियंका पाटिल 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, आखिरी में थोड़ा डिसअपॉइंट किया, वाइड बॉल जा रही थी वहां पर सिंगल ले सकती थी, हम बात भी कर रहे थे बट अफसोस। पूजा वस्त्रकर की बात करिए 3 ओवर 22 रन, अरुंधति रेड्डी की बात करिए 3 ओवर 24 रन, दीप्ति शर्मा 4 ओवर 28 रन 2 विकेट, राधा यादव 2 ओवर 14 रन 1 विकेट, ये थी बॉलिंग इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया स्पिन के सामने इतना अच्छा नहीं खेल पाती और इंडिया विकेट्स ले सकती थी, वहां पे आपने राधा यादव के 2 ओवर बचा के रखे और बीच में शुरुआत में देखे तो विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिरने लगे थे, शुरुआत में आप देखे तो 3 ओवर में 2 विकेट गिर चुके थे, और एक आपने बड़ी पार्टनरशिप बने दी तो मिसफील्ड और कैचेस भी काफी छूटे, और उसके साथ साथ आपने जो स्पिनर्स का है उनका भी सही से अगर हम देखें तो यूटिलाइज नहीं किया, राधा यादव सही से अगर सही से ऑस्ट्रेलिया हमने देखा है कि स्पिन सही से उतना खेल नहीं पाती है, स्टिल आप श्रियंका पाटिल को देखिए 4 ओवर में 32 रन खाई है आज भी, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा स्पिन नहीं खेल पाती, जबकि श्रियंका पाटिल हमने देखा है कि अच्छी स्पिनर है, बैट्समैन ज्यादा थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, अगर उनके सामने राधा यादव एक स्लो लेफ्ट आर्म आती तो मुझे लगता है कि एक बड़ा डिफरेंस होता। बिल्कुल एक बार इंडिया की बैटिंग देख लेते हैं अर्पित, किस तरीके से इंडिया की बैटिंग रही, शेफाली वर्मा 20 रन 13 बॉलों में डिसअपॉइंटिंग, पूरा मैं तो कहूंगा वर्ल्ड कप पूरा डिसअपॉइंटिंग रहा इनका, स्मृति मंदना का डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप 12 बॉलों में 6 रन, जिमाइमा ने आज कुछ इंप्रेस नहीं किया, वैसे भी बहुत कुछ इन्होंने खास करा नहीं इस वर्ल्ड कप में, हरमनप्रीत कौर लोन वॉरियर 47 बॉल्स में 54 रन, बट मतलब अनफॉर्चुनेटली एक विनिंग उसमें नहीं आ पाई, कॉज में नहीं आ पाई, अच्छी मतलब अच्छी इनिंग्स भी नहीं कहेंगे इसको बट वन ऑफ बॉल इनिंग्स T20 में आप इससे बेटर कर सकते थे। दीप्ति शर्मा 25 बॉल में 29 रन, मुझे तो ये कि अपनी कप्तानी बचा के लेके जाती, अपनी कप्तानी बचा के लेके जाती है बस, हर बार खड़ी हूँ इसलिए मैं कप्तान हूँ
बाकी मैचेस मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अकेले दम पे बहुत सारे जिताए हैं जहां पे जरूरत होती है। जी ऋचा घोष 3 बॉलों में 1 रन, पूजा वस्त्रकर 6 बॉलों में 9 रन, अरुंधति रेड्डी 0, शंका पाटिल 0, राधा यादव 0। तो मतलब एक बार एक विकेट गिरा तो बिल्कुल पत्तों की तरह बिखरते चले गए विकेट। रेणुका सिंह 1 रन आखिरी में, और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बहुत ही शानदार रही। एनाबेल सदरलैंड की बात करें 4 ओवर 22 रन 2 विकेट, सोफी की बात करें 2 विकेट, जॉर्जिया वैरम विकेटलेस गई बट इकॉनमी ठीक थी, डार्सी ब्राउन 1 ओवर में 8 रन। बॉलिंग ऑप्शंस आप देखिए, 6 बॉलिंग ऑप्शंस ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, उनमें से आप देखिए तो 4 बॉलर्स ने अपने खुद पूरे ओवर्स कराए हैं, और बाकी के जो 4 ओवर्स हैं जॉर्जिया वैरम ने और डार्सी ब्राउन ने कराए थे। एक बॉलर ने वैरम ने 3 ओवर और डार्सी ब्राउन ने 1 ओवर। दोनों का यही डिफरेंस है कि ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग में ज्यादा अच्छी है, इंडिया स्पिनर्स में ज्यादा अच्छी है। लेकिन आप फास्ट बॉलिंग में देखेंगे तो अब मेगन शूट जिन्होंने बहुत ही अच्छे 2 ओवर्स किए जिसमें ऋचा घोष रनआउट भी हुई और 1 विकेट भी लिया, जो पूजा वस्त्रकर बोल्ड हुई, फिर एनाबेल सदरलैंड को भी देखे तो उन्होंने बहुत सही टाइम पर लास्ट ओवर किया, तो उनके जो फास्ट बॉलर्स थे वो अच्छा कर रहे थे, इंडिया के स्पिनर्स अच्छा कर रहे थे। उनको पता था कि इंडिया फास्ट बॉलिंग अच्छा नहीं खेल पाती, जिस तरीके से गार्डनर को मार पा रहे थे या सोफी को, आपको याद होगा कि लास्ट ओवर जो उन्होंने डाला था 1900 ओवर, उसमें 14 रन मारे थे, तो फास्ट बॉलर को उन्होंने सही टाइम पे यूज किया, वही हमें देखने को मिला। इसलिए ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम है और सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, तो वो डोमिनेंस उनका हर बार, 9 बार अभी तक T20 वर्ल्ड कप हुए हैं वुमेन्स टीम के, और 9 के 9 बार ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंची है, और जिसमें से 7 बार ऑस्ट्रेलिया चैंपियन है, 1 बार इंग्लैंड और 1 बार वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, तो आज एक और डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इंडिया का दोबारा हमें आज देखने को मिला, बट अभी भी उम्मीदें कायम है, उम्मीदें बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का कल आपको मैच मिलेगा। उम्मीदें बहुत कम है लेकिन डूबते को तिनके का सहारा, मतलब अगर बाई चांस एक बड़ा अपसेट पाकिस्तान दे देती न्यूजीलैंड को तो इंडिया का चांस बिल्कुल बन जाएगा वर्ल्ड कप में, बट मुझे और अर्पित मेरे ख्याल से दोनों को उम्मीदें बहुत कम है, और न्यूजीलैंड पहुंच रही है मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी, कोई बहुत ही बड़ा अपसेट हो जाता है जैसे अक्सर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को दिया है, वैसा अगर वुमेन क्रिकेट में हो जाता है तो मतलब बहुत अच्छा होगा। बट फिलहाल अभी हमारे इस लाइव सेशन में आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी हम कवर करेंगे, और अगर बाई चांस इंडिया पहुंचती है आगे टूर्नामेंट में तो भी हम इंडिया के सारे मैचेस कवर करते हैं, और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी हम कवर करेंगे आने वाली सीरीज में। इंडिया और न्यूजीलैंड तो हो चुका है, इंडिया न्यूजीलैंड अभी मैं टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था। जी 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 जी, वो बिल्कुल कवर न्यूजीलैंड सीरीज में। वुमेन की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें वुमेन मैच हम कवर कर पाएंगे, न्यूजीलैंड की जो मेंस टीम है उसके मैच हम लोग आगे कवर करेंगे जरूर, तो आप वहां पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको हमारे हाईलाइट सेशन पसंद आया हो तो हमें लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम लाइव आए आप हमारे साथ ऐसे जुड़ सके। कीप वॉचिंग।